दोस्तों, अगर आप भी एम्प्लॉय हैं या फिर किसी बड़ी या छोटी कंपनी में काम करते हैं, या फिर आपके पास खुद का पीसी है, आप घर पे ही कहीं पे ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब कि आप किसी भी तरीके से या फिर जॉब में या फिर घर पे कैसे भी आप पीसी का यूज़ तो करते ही हैं, तो क्या होता है कि जब हम पीसी का काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है उसके लिए हमें इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है। और इंटरनेट के साथ जब हम काम करते हैं तो कुछ अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फिर वायरस हमारे पीसी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक वायरस के बारे में बात करेंगे जो कि एक एंटीवायरस के नाम पर हमारे लैपटॉप पीसी में आ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम इस वायरस को अपने लैपटॉप पीसी से परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं AK और वेलकम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देखो समझो सीखो मेरे संग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो एंटीवायरस के नाम पर हमारे लैपटॉप या पीसी के अंदर खुद से ही इंस्टॉल हो जाता है। और इसके इंस्टॉल होने का कारण भी हमारे इंटरनेट से एप्लीकेशन डाउनलोड करना या फिर ऑटो ड्राइवर इंस्टॉल का यूज़ करना होता है। तो आप सब जानते ही हैं कि सेगुराजो नाम का ये एप्लीकेशन या फिर ये एक एंटीवायरस के नाम पर वायरस जो खुद से ही अपने लैपटॉप पीसी में आ जाता है वो कितना हमको परेशान करता है। खुद से ही लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, आवाज़ आती रहती है, या फिर किसी भी प्रोग्राम का इतनी लेट ओपन होना, और कभी कभी तो फाइल को करप्ट भी कर देता है। इसका मेन कारण तो यही है और इसको बनाया भी इसी तरह गया है कि जिस भी वायरस जिस भी लैपटॉप में ये आएगा उस लैपटॉप को या पीसी को ये पूरी तरह से डैमेज या फिर फ्रीज कर देता है। तो आज हम जानेंगे इसको कैसे हम अपने लैपटॉप या पीसी से रिमूव कर सकते हैं या फिर परमानेंटली उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आना अपनी सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आपको अनइंस्टॉल वाला जो हमारा होता है ऐप्स एंड फीचर, उस फोल्डर को आपको खोल लेना है। तो उसको खोलने के बाद आपको जब उसको खोलोगे तो आपको वहाँ पे ढूंढना होगा सेगुराजो रियल प्रोटेक्शन लाइट। तो आपको इसको ढूंढ के अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको एक न्यू टैब खुल के सामने आएगी, उसको आपको दोनों पे चेक मार्क लगाना और उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, इसको अनइंस्टॉल करते हुए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है कि आपको अपने इंटरनेट को ऑफ रखना होगा। किसी भी तरह का आप कनेक्शन यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, या फिर आपके लैपटॉप में कनेक्शन है, पीसी में कनेक्शन है, तो आपको अपने इंटरनेट को ऑफ रखना है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरनेट ऑफ नहीं किया आपने तो आपके साथ क्या होगा कि ये फाइल दोबारा से फिर इंस्टॉल हो जाएगी। मतलब ये एक ऐसे तरह का एंटीवायरस या वायरस है जो कि अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल भी हो जाता है। ये ज़्यादातर तब इंस्टॉल होता है जब हम ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। वो होता है ना ऑटोमेटिकली डाउनलोड ड्राइवर, तो जब हम उसका यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर ये तभी हमारे लैपटॉप या पीसी में आता है, या फिर हम जब कोई भी एप्लीकेशन या इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं तब भी ये हमारे लैपटॉप या पीसी में आ जाता है। तो देख लीजिए, मेरा ये कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इंटरनेट को ऑन रखोगे तो ये आपका अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो मेरा तो कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। अभी भी ये पूरी तरह से अनइंस्टॉल नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जो फाइल्स होती हैं वो हमारे सिस्टम में अभी भी सेव रखी हुई हैं। तो उन फाइल्स को आपको विंडोज सी में ढूंढना होगा और ढूंढने के बाद आपको उनको डिलीट भी करना होगा। तो देख लीजिए, जब भी मैं यहाँ पे इसको सर्च करूँगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि अभी भी उसकी फाइल्स यहाँ पे हैं, वो परमानेंटली अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा पीसी अभी भी स्लो चल रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट उनको ढूंढ लूँगा। तो विंडोज सी में आपको उनको ढूंढना है, ज़्यादातर वो प्रोग्राम फाइल्स में ही मिलती हैं, तो आपको प्रोग्राम फाइल्स को देख लेना है या फिर अन्य जो फोल्डर्स हैं उनको भी आपको चेक कर लेना है कि अब कहीं उनमें भी इनकी फाइल्स सेव ना हो। तो मुझे ये प्रोग्राम फाइल में ही मिल गई फाइल्स, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि ये डिलीट होंगी या नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिलीट नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है, आपने हर तरह से कोशिश भी करके देख ली होगी कि ये फाइल्स डिलीट नहीं होती। और ऐसे बहुत से काफ़ी फोल्डर्स भी हो जाते हैं जो कि डिलीट नहीं होते, क्योंकि ये जो एंटीवायरस के नाम पर वायरस आपके लैपटॉप या पीसी में आ गया है उसका काम ही यही है कि वो आपके डाटा को करप्ट कर दे, उसको डिलीट कर दे, उसको इस तरह से जाम कर दे या फ्रीज कर दे कि आप उसको ओपन ही ना कर पाओ। तो इसलिए जो फाइल्स हैं वो जल्दी से ओपन नहीं होती। तो आपको इसको डिलीट करने के लिए एक छोटे से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है वाइज फोर्स डिलेटर।
तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना आपके पीसी में या आपके जो भी लैपटॉप है उसमें आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको गेट इन टू पीसी या फिर फाइल हिपो ऐसी वेबसाइट्स जो फ्री सॉफ्टवेयर देती हैं वहाँ पर आप इसको सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सेम ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशन इसी नाम से हैं जो अच्छे से काम नहीं करती, लेकिन आपको सेम एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करना है। और आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिला हुआ है, तो वही सही होगा कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसा खुलेगा, वहाँ पे आपको इसके फाइल्स है तो फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना, फोल्डर है तो फोल्डर को। तो मैं इसको डायरेक्ट फोल्डर सेलेक्ट करके अपनी फाइल्स में जाऊँगा और वहाँ से उस फोल्डर को ढूंढ लूँगा। देख लीजिए आपके सामने मैंने फोल्डर को उसको ऐड कर लिया, इसमें देख सकते हैं आप ये फोल्डर में ऐड हो चुका है उसमें वॉइस फोर्स डिलीटर में। तो इस डिलीटर के अंदर आप इसको सेलेक्ट करोगे और इसको रिमूव कर दोगे, तो देख लीजिए मेरी जो फाइल थी वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। तो ऐसे ही आप इन फाइल को डिलीट कर सकते हो, नहीं तो ये फाइल्स डिलीट नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इनको इंस्टॉल भी किया और डिलीट भी किया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो फाइल्स थी, जो प्रोग्राम फाइल में थी ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो फाइल्स अभी दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी हैं। तो आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने उनको परमानेंटली डिलीट कर दिया है। और अभी मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ जो मेरा साइबोरेजो नाम का जो वायरस इंस्टॉल हो चुका था वो भी मैंने कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर दिया है। तो वो भी मेरे पीसी में अभी नहीं रहा है। तो अभी इतना करने के बाद आपको अपने क्या करना है कि आपने अपने पीसी को दोबारा से रीबूट कर लेना है, रीस्टार्ट कर लेना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपका पीसी वैसे ही चलने लगेगा जैसे ये पहले चलता था। तो दोस्तों स्टेप आपको पूरे फॉलो करने हैं, इस तरह आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। We'll be right back.